तक आप कहीं पटके गए हैं कि नहीं? क्यों, ये हार जीत की खेल है। बहुत जगह पटका गया हूँ, बहुत से जगह पटकाया हूँ और पटका भी हूँ। महाजन से अब हमें क्या चाहिए, जब हमने हथेली पे सर ले लिया। कत्ल होने से अब हम कहाँ तक डरे, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। नमस्कार, पूर्वांचल परिवेश में मैं ऋषि कपूर भारती आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। और मैं विधानसभा भाट पर रानी की धरती पर उपस्थित हूँ और ग्राम सभा खामपार में इस समय पूर्वांचल परिवेश की टीम है। हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं, पुराने जो लोग थे, कदकाठी जिनका मजबूत था। लोग कहते हैं कि मिट्टी से खेलिए, आज मिट्टी का खेल धीरे धीरे बीतता जा रहा है। और उस दौर के व्यक्तित्व से आज हम आपका परिचय कराएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, जो इनका एक्चुअली नाम है मनन खान, और इन्हें कटप्पा पहलवान के नाम से हम और आप जानते हैं। भारत के अनेक राज्यों में इनका पहलवानी का हुनर देखने को मिला। हाल ही में एक ऐसा हमने वीडियो देखा जिसमें किसी, मैं आपको भी दिखाऊंगा, किसी एक ऐसे पहलवान का नीचे की तरफ गला दबाए हुए हैं। जब मैंने फेसबुक पर वह वीडियो देखा तो मुझे कौतूहल हुआ कि आखिर ऐसा भी पहलवानी में जायज है, क्या ऐसा किया जा सकता है। तब मैंने इनसे संपर्क किया और आज हमारे साथ हैं। पूर्वांचल परिवेश में आपका स्वागत। जी, पूर्वांचल परिवेश का धन्यवाद। अच्छा, हम आपसे यह जानना चाहते हैं शुरुआती दौर में कि कहाँ से यह आइडिया आया कि आपको पहलवानी ही करना चाहिए। जी, हमारे दादा परदादा आप सब लोग पहलवान थे और हम भी शुरुआत से उन लोगों को देखकर पहलवानी करना शुरू किए। कोई एक फेमस नाम बताएंगे? बोल रहे हैं कि दादा परदादा पहलवान थे, कोई फेमस नाम बताएंगे? जी, हमारे दादा, छोटे दादा हाजी नबुल्ला पहलवान भी फेमस पहलवान थे जिला केसरी, उन्हीं के देख रेख में हम भी पहलवानी करते हैं। हम सुने हैं कि वो कभी पटके नहीं गए। जी, सही बात है, ये बात सही है। जिला केसरी उसी को कहा जाता है जो अपने जिला में नंबर वन हो, उसी को जिला केसरी कहा जाता है। अच्छा। जी जी, क्या घटना थी वो, मैं वीडियो मेंशन करूंगा, क्या घटना थी जिसमें किसी एक पहलवान को जबरदस्ती दबाए हुए हैं नीचे की तरफ? जी जी, वो पहलवान मेरे साथ पहले बदतमीजी किया और मैं अखाड़े पे गया तो वो अखाड़े के बगल में पानी था तो उसने मुझे लात मारा था और मैं पानी में जाके गिर चुका था, तो बस उसी का बदला अखाड़े पे लिया जा रहा था उससे। जी जी जी, एक और चीज देखते हैं कि हम देखते हैं कि बीच में कोई एक पहलवान भाग रहा है, दूसरा पहलवान उसको दौड़ा रहा है। क्या ये स्क्रिप्टेड होता है, पहले से मतलब तय होता है कि तुमको भागना है, इनको दौड़ाना है, जैसे पब्लिक को मजा आए इसके लिए? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अखाड़े पर जाने के बाद मोमेंट देखकर अखाड़े पे उससे पहलवानों का दिमाग ऐसे ही हो जाता है कि हमें इस दंगल में सबसे नंबर वन जाना है और मुझे यहाँ पे नंबर वन आना है, इसलिए पहलवानों में थोड़ा खलबली मच जाती है। कहाँ कहाँ अब तक आप गए हैं, किस किस राज्य? जी, मैं यहाँ नेपाल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, आपका गोरखपुर, कोई भी ऐसा इंडिया का जगह ना हो जहाँ मैं ना गया हूँ। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हर एक जगह गया हूँ दंगल के लिए। दंगल में लोकप्रियता तो है, उसके साथ साथ धन का क्या व्यवस्था? जी, जो पब्लिक प्यार देती है, ऊपर से जो कमेटी बुलाती है, अच्छे पैसे में, और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो और अच्छे पैसे में बुलाएगी। अभी जैसे मान लीजिए कि जो रेसलिंग होता है उसमें वजन नाप तोल करके होता है, इसमें कोई अगर आपसे कमजोर पहलवान है तो आपसे भी उससे लड़ा दिया जाएगा? जी नहीं, अगर मैं अखाड़े पे खड़ा हूँ, अगर उसका दिल करता है हमसे, अगर वो अपने आप को मेरे काबिल समझता है तो आके हाथ मिला सकता है, लड़ सकता है। जी, उसके ऊपर। अच्छा, जब आप हाथ मिला लेते हैं तो अब उस व्यक्ति को किस नज़र से देखते हैं? जी, अगर हमारा भाई भी खास रहता है, अगर अखाड़े पे हाथ मिला लेते हैं तो वो दुश्मन की नज़र से हम उसे देखते हैं, जब तक वो अखाड़े पर रहता है तब तक। अच्छा, एक बार हमसे आप हाथ मिलाइए। ये कौन कौन सा अब तक प्रतियोगिता आप जीते हैं? अब बहुत सारी प्रतियोगिता में जीता हूँ, अब क्या कितना आपको गिना हूँ मैं, बहुत सारा जीता। फिर भी एक जो मतलब आपको याद हो, हारते हारते आप जीते हो? जी, अभी मैं गया था महाराष्ट्र, वहाँ पर मैं चांदी का गद्दा जीता था, 51,000 रुपया जीता था।
अभी हाल ही में 8 तारीख को दंगल में गया था महाराष्ट्र में। अभी नेपाल में गया था तो बहुत सारा पुरस्कार जीता नेपाल में भी। अभी नेपाल से ही घर पर आज ही आया हूँ मैं। अच्छा। जी जी, उस वीडियो में भी हमने देखा कि काला काला पहने हुए हैं, इस समय भी मतलब काला काला पहने हुए, क्या रंगों का क्या महत्व? ये एक ब्रांड है, ऊपर वाले ने ही ब्रांड बना के भेज दिया है, तो बस ब्रांड ही अपना चॉइस है। अच्छा, मतलब तू जूता तो मतलब दूसरे कलर का है? जूता ये भी जूता ब्रांड है। जूता कोई बात नहीं है, जूता तो अपना चलता है। हर जगह काला ही पहन करके जाते हैं? जी जी, मैं काला ही पहन के जाता हूँ हर जगह। आपका वजन कितना है? मेरा वजन होगा 82 होगा। 82? जी जी। और डाइट भोजन में क्या क्या खाते हैं? डाइट भोजन में वही सब जो खाते हैं वही हम भी खाते हैं, थोड़ा अलग। ये तो कहने के लिए है कि केवल सब जो खाते हैं वो हम ही खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ अलग होगा ना? नहीं, वही अपना टाइम से खाना पीना, रियाज करना और फ्रूट लेना, जूस लेना, अपने प्रोटीन के साथ खाना पीना व्यवस्था के साथ। सुने हैं जो लोग पहलवानी करते हैं वो लोग तेल कम खाते हैं, क्या सही? सही सही बात है, तेल का कम यूज करते हैं, तेल के जगह हम लोग घी डालते हैं। मतलब क्यों, ऐसा क्यों? तेल चिकनाहट होता है, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। जी जी। और कोई कहानी आप बताना चाहेंगे जो आपसे जुड़ा हुआ हो? जी, मेरे से तो अभी कोई कहानी जुड़ा नहीं है, अब आगे जुड़ेगा तो फिर आपसे हम मिलेंगे, बताएंगे। जी, जिला देवरिया के एक उभरते हुए पहलवान हैं आप, कहते हैं ना इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग खेलते हैं आखिर उनमें क्या है? दरअसल बात हम में है, यह बात है कि हम जो निचले पायदान पर जो प्रतिभाएं हैं उनको उतना स्थान नहीं दे पाते हैं। जब वही प्रतिभाएं अलग लेवल पर चली जाती हैं, किसी दूसरे स्टेज पर चली जाती हैं, तब हमें दिखाई पड़ता है कहीं टीवी के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, कि यहाँ का व्यक्ति ये है। तो हम चाहते हैं कि जो निचले तबके की जो प्रतिभाएं हैं उनको दिखाया जाए, और उसी एपिसोड के तहत हम मनन खान जी से मिले। और आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उपनाम के पीछे जो आपका टप्पा लगाए हुए हैं, क्या ये मतलब लोगों के द्वारा दिया गया है या मतलब अपने से लगाया हुआ? नहीं नहीं, ये जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे रावण का टप्पा के नाम से ही लगते हैं बोलने की, आप रावण की तरह दिखते हैं। रावण की तरह मतलब? रावण रावण, ओ दशानन रावण। जी 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 जी। अच्छा। तो ऐसे ही लोग रावण रावण कहने लगे, कटप्पा रावण, तो ऐसे ही फेमस हो गया मैं उसी नाम से। जहाँ भी जाता हूँ सब लोग रावण कटप्पा के नाम से जानते हैं। अब तक आप कहीं पटके गए हैं कि नहीं? क्यों, ये हार जीत की खेल है, बहुत जगह पटका गया हूँ, बहुत से जगह पटकाया हूँ और पटका भी हूँ। ये तो एक दंगल है, इसमें हार जीत का खेल है, मैं जीतूँ या वो जीतेगा ये कोई तय नहीं है कि मैं जीतूँगा या वो जीतेगा। मैं भी हारा हूँ और जीता भी हूँ, ये गेम हार जीत की गेम है, कोई भी जीत सकता है। ये शॉर्ट स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यह भी बताएं कि आप यह वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।